कैसी लगी आप लोगों के फुटेज एंड जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इक्विपमेंट वाली उसमें काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई तू ये सारे इक्विपमेंट तो दिखा दिया अब क्या तू व्लॉग के टाइम पे सारे यूज करता है तो नहीं यार आई थिंक जो मेरे मोस्टली ट्रेवल वीडियोज है उसमें मैं एक ही कैमरा यूज करता हूँ मोर देन नाइनटी परसेंट एंड देट इज माई छुटकू कैमरा जो है हमारा गोप्रो नाइन एंड यही वो कैमरा आई थिंक जो मैंने नाइन्टी से भी ज्यादा मेरे व्लॉग्स में यूज किया है जिसमें चाहे सिनेमेटिक फुटेज हो या फिर मैं व्लॉग कर रहा हूँ वो चीजें हाँ इन दिनों कुछ ट्राई कर रहा हूँ आईफोन से बट उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मुझे

मैं अपने कैमरे की क्या क्या सेटिंग करता हूँ जिससे मेरी फुटेज काफी अच्छी आए और जब इसकी सेटिंग तो से अच्छा में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलो एक बार कैमरे में समझा देता हूं माई गो प्रो नाइन एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैमराज एंड आई थिंक मोस्टली नाइन परसेंट मैं यही कैमरा यूज करता हूँ मेरे ब्लॉग्स में या सिनेमेटिक वीडियो में एंड मैं यूज कर रहा इस मीडिया मोड के साथ में जिसमें आपको एक एक्सटर्नल माइक भी मिल जाता है और यदि फिर भी आप चाहते हैं कोई एक्सटर्नल माइक और यूज करें तो यू कैन यूज इट फ्रॉम जैसे आपको दिख जाएगा मीडिया मोड में तो यदि आप न्यू ब्लॉग रहे तो मैं ये कैमरा आपको हाईली रिकमेंड करूंगा और तीन चार हजार रूपए लगा के मीडिया मोड भी ले, ले लें जिससे आपको काफ़ी काफ़ी आसान हो जाएगा एंड लुक एट इट साइज साइज यार मतलब टाइनी जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और यदि आप कैमरा शाही हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू खैर अब हम बात करते हैं इसकी सेटिंग की मैं क्या क्या इसमें सेटिंग यूज कर रहा हूँ ट्राई जिससे आपकी फुटेज काफी अच्छी आने वाली तो पहले करते हैं इससे ऑन तो गाय जैसे आप इसे ऑन करोगे इसमें बॉटम में आपको मिल जाएंगे कुछ ऑप्शन कुछ कर रखी है सेटिंग जैसे मैंने अभी कर रखा है इसको सिनेमेटिक मोड में और यदि आप चाहते हो कि आप भी दो मोड

से तो, तो 4K 60 का नहीं पता आता है इसमें लेंस मोड जिसको मैंने रख रखा है लीनियर तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है सुपर व्यू मोड तो यदि आप कोई मोटर व्लॉग कर रहे हैं या कहीं पे आपने गाड़ी में माउंट कर रखा है तो यू कैन यूज दिस सेटिंग और इसके बाद में आता है आपका वाइड एंगल जैसे यू कैन सी और वाइड में आपको 16 से 35 फाइव mm एम की फोकल लेंथ मिल जाएगी एंड दिस सेटिंग यू कैन यूज फॉर द व्लॉगिंग बट जो मैं प्रीफर करता हूँ या फिर लीनियर प्लस हो उसका कारण क्या है वो मैं आपको दिखाता तो. तो जैसे आप लीनियर मोड में रखेंगे इसमें आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी नाइनटीन से थर्टी नाइन एम की एंड इसमें आपको फिशा इफेक्ट नहीं मिलेगा अब बेसिकली फिशा इफेक्ट होता है जैसे अभी मैंने वाइड एंगल लगा रखा कैमरे में तो इफ यू सी एट द लाइनिंग तो आपको थोड़ा सा ऐसे टेपर में मिलेगा तो इसमें साइड से आपको कैमरे में थोड़ा फिशा इफेक्ट दिखता है बट इफ यू यूज द लीनियर मोड तो आपको बिल्कुल स्क्वायर दिखेगा और उसमें

कलर वगैरह है मैं पोस्ट में ही इसको एडिट करूँ ये हमारी होगी कुछ बेसिक सेटिंग विंड वगैरह सब नॉर्मल है इसमें, आप चाहते हो मैं व्लॉग भी इसी कैमरे से करूं बट मुझे वाइड एंगल तो यू कैन मेक टू टैप्स अब जैसे सिनेमेटिक एंड सेकंड वाला मैंने रख रखा है मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया आई केप्ट एवरीथिंग सेम बस जो लेंस है उसको मैंने रख दिया वाइड में यदि आप चाहते हो तो आप इसको सुपर पर भी कर सकते हो बट वाइड काफी अच्छा है उसमें आपके यदि मान लो तीन या चार लोग है तो वो भी काफी ठीक लगने वाले हैं सो आई प्रीफर दिस सेटिंग तो सबसे है यदि आपको लेना है तो यहाँ पेटिक पे में आ जाओ यदि आपको व्लॉग बनाना है यू कैन कम ओवर हियर ये दो सेटिंग हो गई बाकी कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग है टुचे पुच्ची से जिसमें आप ट्विट कर सकते हो जैसे आपको हाइपरलेक्स के लिए रखनी है या कुछ करना है तो वो भी ट्राई कर सकते हो बट हाँ मोस्टली मैं दो ही रखता हूँ तो जिसमें आपका आ गया कि में आप रखो कलर आपके फ्लैट रखो प्रोटीन आपका ऑन रखो और जो हाइपर स्मूथ है वो भी ऑन

99% मैं रिकमेंड करूंगा कि मोशन शॉट लें बी रोल में और अब बात करें कि यार मोशन वाले शॉट हम कौन कौन से लें तो या तो मेरा वीडियो आ रहा होगा यहाँ पे आई बटन में या मैं कोई अच्छा वीडियो लगा दूंगा जिसमें आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाए कि किस किस टाइप के शॉर्ट है एंड कैसे आप ले सकते हैं और फिर भी कुछ रफली मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बी रोल में कि सबसे पहले इसमें आपको इतना अच्छा फोकस नहीं मिलेगा क्योंकि यदि पास जाएंगे तो ही मिलेगा सो इट्स बेटर टू हैव समथिंग इन द फोरग्राउंड अब जैसे मान लो मैं मुझे कोई बिल्डिंग शो करनी है तो मैं फोरग्राउंड में वॉल को ले सकता हूँ एंड यहाँ से कैमरा लेके मैं ऐसे रिवील कर सकता सक एक जस्ट बेसिक शॉर्ट है तो ऐसे और भी काफी शॉर्ट है जो आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे एंड यू हैव सम और मान लो आपने सारे ले ले लिए मतलब मतलब में अच्छे भी रोल वगैरह लिया अब इसको हम एडिट कैसे करें मतलब प्लान तो हमने कर लिया कि भाई इतना अच्छा शॉर्ट लेना ऐसे ऐसे आएगा बट जैसे आप कंप्यूटर में आए एक तो फ्लैट वीडियो दिख रहा है ना कोई कलर आ रहे तो हम उसको कैसे ठीक करें तो उसके लिए सबसे पहले आता आपका वीडियो का कलर करेक्शन जिसमें आप अपना चाहिए पहले व्हाइट बैलेंस सेट कर लो यहाँ पे भी आ रहा होगा कहीं पे जिसमें आपको कलर पिकर लेना है किसी भी व्हाइट सरफेस पे रखो उस पे क्लिक करो आपका व्हाइट बैलेंस ऑटोमेट सेट हो जाएगा ऑलमोस्ट और उसके बाद में आपको करना रहेगा इसका कलर करेक्शन जैसे मैं एक सैंपल लगा दूंगा तो यू विल सी द डिफरेंस की कैसे पहला वीडियो था उसके बाद में कैसा हुआ बट फिर भी मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ यदि आप फ्लैट प्रोफाइल में कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रास्ट हमेशा बढ़ाना रहेगा और शार्पनेस वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और कलर का आपको थोड़ा सा सेचुरेट करना पड़ेगा और उसके बाद में आती है हमारी कलर ग्रेडिंग जिसमें आई थिंक पता नहीं क्यों जो एक्शन कैमरा इनका मोस्टली वार्म टोन रहता है हमेशा मतलब थोड़ा सा आपको येलो शेड ज्यादा मिलेगा तो जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं कलर बैलेंस कर सकते हैं अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं मोस्टली रखता हूँ शेडो को टील साइड में एंड जो हाईलाइट है ऑरेंज साइड में हाँ मतलब मोस्ट कॉमन मेथड तो यही चला आ रहा है और वही मैं यूज कर रहा हूँ बट यदि हाँ फिर भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अब जैसे मान लो आपको कोई मूड इफेक्ट डालना है उसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं शेडो और हाईलाइट को एक ही डरेक्शन में रखते हैं जैसे मान लो मेरे को टील साइड में शेडो कर ली और टील साइड में मैंने हाईलाइट रख ली तो काफी अच्छा मूड इफेक्ट क्रिएट होता है तो थोड़ा सा कलर थ्योरी वो आपको सीखना पड़ेगा और उसके लिए आप कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं आपको काफी अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब चाहू तो मैं भी काफी अच्छे से बता सकता हूँ बट फिर भी यार जो प्रोफेशनल है उससे आप सीखेंगे ना तो काफी अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू हैव सम है तो ऐसे आपने अपना कलर करेक्शन भी कर लिया कलर ग्रेड भी कर लिया एंड देन उसके बाद में आपको थोड़ा स्किन टोन वगैरह एडजस्ट करना है तो स्किन टोन में भी जो अपना ग्राफ आता है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं मतलब आपको वीडियो में दिख जाएगा अब बेसिकली ये मत बोलना भाई तू क्या बता रहा है मतलब तीन तो वीडियो के लिंक दे दिया बट भाई बीस मिनट दोगे ना मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको और भी मजा आएगा तो जिस चीज में हम खिलाड़ी है वो बताने में हमें ज्यादा मजा आता है खैर वो बात तो होगी दूसरी तो ये हो गया आपका कलर करेक्शन एंड कलर अब उसके बाद में क्या तो उसके बाद में आता है हमारा मैजिक जिसमें आप अपना क्रॉप बार इफेक्ट एड कर दो ऊपर दस परसेंट ऊपर से क्रॉप कर लो दस नीचे से कर लो अब काफी लोग वो रखते हैं एट या फोर्टीन बट मैं रखता हूँ बीच में दस के आसपास एंड काफी अच्छा इफेक्ट आता है बट उसमें भी दो ऑप्शन है अब जैसे मैं मेरा वीडियो यूट्यूब के लिए बनाता हूँ तो मैं उसमें फ्रेम साइज रखता हूँ थ्री एट फोर जीरो टू जीरो जिसमें आपको टू बाई वन का रेशियो मिल जाता है एंड काफी अच्छा लगता है और उसमें मैं क्रॉप बार कभी भी एड नहीं करता बट यदि आप सिक्सटीन बाई नाइन का नॉर्मल फ्रेम यूज कर रहे हैं उसमें आप क्रॉप बार यूज करेंगे ये काफी अच्छा लगेगा तो कुछ ये बेसिक सेटिंग्स थी तो इन सब को मैं इकट्ठा करके एक वीडियो में दिखा देता हूं तो यू विल हैव सम आईडिया यहां भाई ऐसा करने पे वीडियो ऐसा लगेगा देन ऐसा होगा और कुछ ऐसा फाइनल इफेक्ट आएगा यही था हमारा आज का वीडियो ज्ञान और देखिए इसमें लास्ट में फाइनल कैसा आता है और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा